पाटन कमिश्नरी का देखेंगे, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच या फिर तराई के इन सभी जनपदों को अगर आप लेकर के देखें तो यह लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि होते थे और उधर सहारनपुर तक इस बीमारी के मरीज देखे जाते थे। अयोध्या मंडल के अंतर्गत भी कुछ जनपदों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए, आजमगढ़ कमिश्नरी में पाए गए, लेकिन जो कि इस बीमारी से मरने वाला मासूम अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र केंद्र था गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और उसमें भी सीमित संख्या में बेड थे। एक एक बेड में चार चार बच्चे लिटाए जाते थे, वहां भीषण गंदगी रहती थी। आप सोचिए, अनुमान कर लीजिए, जुलाई अगस्त के महीने में अगर बरसात न हो और गर्मी पड़े और तब तीसरी मंजिल में वार्ड हो, तीसरी मंजिल का मतलब उसके ऊपर कोई दूसरी मंजिल नहीं है, चौथी मंजिल नहीं है, और वहां पंखे न हो, शौचालय साफ न हो, ये स्थिति थी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड का। आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले जब पहली बार मैं उस वार्ड में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने के लिए गया था, यह स्थिति उस समय वहां पर थी। 1977 से लेकर के 1998-99 तक कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जांचने वाला नहीं था। हम लोग चिल्लाते रहते थे, सरकारों को इसकी परवाह नहीं थी। डेंगू के मरीज भर्ती होते थे, उनको होल ब्लड चढ़ाया जाता था, मरीज मरता था, कोई पूछता नहीं था। हम सरकारों से कहते थे कि भी कोई प्लेटलेट्स की व्यवस्था करा दो, कोई नहीं करा पाया। यह स्थिति उन क्षेत्रों की थी, और अंततः जब थक हार गए, हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था की और अंततः मुझे अपने स्वयं मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से एक हॉस्पिटल भी खोलना पड़ा और ब्लड बैंक के साथ साथ वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा देनी पड़ी, एफरेसिस यूनिट लगानी पड़ी, जिससे कम से कम उस क्षेत्र के मरीजों को हम प्लेटलेट्स उपलब्ध तो करा सकें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतर प्लानिंग पिछले 2 वर्ष के अंदर की, एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया, और उस समन्वय के माध्यम से मैं मानता हूं अभी बहुत कुछ किया जाना है, बहुत कुछ किया जाना है। अभी वर्षों की इस जड़ता को तोड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जहां पर कुछ नहीं होता था, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में जो जनपद सर्वाधिक प्रभावित जनपद थे, उन 7 जनपदों के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 12 से लेकर 15 बेड का इंसेफ्लाइटिस का एक आईसीयू बन चुका है। वहां पे वेंटिलेटर्स हैं, वहां पे मॉनिटर हैं, वहां पर पीडियाट्रिशियन हैं, वहां पे टेक्नीशियन हैं, वहां पे ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है, और हर जनपद में 2-3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जो संवेदनशील विकास खंड थे वहां पर भी ये सुविधा प्रारंभ हो चुकी है कि वहां पे 3 से लेकर 5 बेड का एक आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू हम लोग देने में सफल हुए हैं। यह प्रथम चरण में स्वास्थ्य सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पूरा एपिडेमिक वार्ड बना दिया है, नवजात शिशुओं के लिए भी एक वार्ड बनाया है, हर वार्ड में वेंटिलेटर्स की पर्याप्त सुविधा है। और आज मैं कह सकता हूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में, या बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो या बस्ती में, इस वर्ष से प्रारंभ हो रहा हमारा एक नया मेडिकल कॉलेज है, इन किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक बेड में 3-4 बच्चे लिटाने की नौबत नहीं आएगी, एक बेड में एक ही बच्चा रहेगा। ये सुविधा हम देने में सफल हुए हैं, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में टेंट
फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, ये सारी की सारी सुविधा हम वहां पर देने में सफल हुए हैं। यही नहीं, पहले तो डेंगू होगा नहीं, और डेंगू अगर आ ही गया तो प्लेटलेट्स की सुविधा हर जनपद में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी आज के दिन पर प्रारंभ हुई है, या विगत दो वर्षों के दौरान किया गया एक प्रयास है। लेकिन यह प्रयास स्वास्थ्य विभाग ने जहां किया, वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में किए गए, और पहला वर्ष है जब वैक्सीनेशन फरवरी मार्च महीने में किया गया, इस वर्ष किया गया, व्यापक प्रभाव पड़ा है। जब हम लोगों ने 2005 में पहली बार वैक्सीनेशन किए थे, जापानी इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता मिली थी। इस बार भी जो कार्यक्रम चले थे, क्योंकि उसका सही समय फरवरी मार्च ही है, एक वैक्सीन को एक्टिवेट होने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा, इस दृष्टि से उसका सबसे उपयुक्त समय, और उस उपयुक्त समय पे वैक्सीन लगाने के परिणाम भी हम सबके सामने हैं। लेकिन बहुत कुछ अभी किए जाने की आवश्यकता है। हम सबका यह मानना रहा है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कोई समस्या नहीं, हम डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की, या फिर अन्य पैरामेडिकल के स्टाफ की कमी की पूर्ति भी कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम उपचार से ज्यादा महत्व तो बचाव को दें, और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस अभियान में व्यापक जागरूकता पैदा करें, तो मुझे लगता है देश के श्रम और शक्ति दोनों को बचाया जा सकता है, और देश की अमूल्य धरोहर को हम लोग एक रचनात्मक अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। और यह संचारी रोग नियंत्रण का एक महीने का यह अभियान, या दस्तक अभियान जो एक पखवाड़ा है, 15 दिनों तक चलेगा, यह उसी जागरूकता के अभियान का हिस्सा है, जिसमें सभी संबंधित विभाग 75 के 75 जनपदों में एक साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। एक साथ एक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, यहां पर गांव में बने हुए शौचालयों का नियमित रूप से लोग उपयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुले में शौच न जाएं, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती रहे। हर ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध कराए हैं, जिससे वहां पर वे छिड़काव कर सकें, और उस पैसे का उपयोग हो इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करके निरंतर उसकी निगरानी करने का एक तंत्र विकसित हो, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में भी बाधा है, तो हमें क्या उपाय करने हैं जिससे किसी भी प्रकार की जल जनित या विषाणु जनित बीमारी की चपेट में कोई मासूम ना आने पाए, कोई नागरिक ना आने पाए, कोई महिला या कोई पुरुष ना आने पाए। जिन क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की बीमारी की चपेट में कोई व्यक्ति आ रहा है, हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं कुपोषण भी उसका एक कारण होगा। कुपोषण के खिलाफ भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी एक अभियान छेड़ा है, उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण से लेकर के वहां पर चलाए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम जो कुपोषित बच्चे को सुपोषित कर सके, कुपोषित गांव को सुपोषित गांव कर सके, अलग अलग अभियानों के माध्यम से उस विभाग को भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। एक बड़ा बृहद अभियान है, और मुझे लगता है कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस अभियान के साथ सभी संबंधित विभागों के साथ साथ आम जन की सहभागिता न हो, और आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ही आज ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर उन 38 जनपदों में जो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित थे, सर्वाधिक प्रभावित हैं, उन जनपदों के साथ साथ प्रदेश के अन्य सभी 75 जनपदों में भी हम इस अभियान को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। 75 जनपदों में हमने इसलिए भी लिया है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कोई ना कोई बीमारी कम या ज्यादा मात्रा में है। आप देखेंगे अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी में दिमागी बुखार है, इंसेफ्लाइटिस के रूप में है,
तो आप प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों में देखेंगे कि वहां डेंगू है, कुछ में फालेरिया है, कुछ में मलेरिया है, कुछ में कालाजार है, कहीं चिकुनगुनिया है, कहीं पर कोई अन्य बीमारी वहां पर किसी न किसी रूप में वहां के नागरिकों को या मासूम बच्चों को अपनी चपेट में लेती है। इसलिए सभी 75 जनपदों में एक साथ इस अभियान को चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के सभी संबंधित विभाग, चाहे वह नगर विकास हो, ग्राम्य विकास हो, पंचायती राज हो, बेसिक शिक्षा का हो, महिला और बाल विकास का हो, दिव्यांग जन कल्याण का हो, ये सभी विभाग मिलकर के इस पूरे अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। और जो प्रतिवर्ष मासूम बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से या डेंगू से या कालाजार से या अन्य तमाम प्रकार की उन बीमारियों से होती है, हम उसको नियंत्रण करने में काफी हद तक सफल होंगे। विगत वर्ष इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे और उसके परिणाम अलग अलग चरणों में चलाया गया अभियान था। इस वर्ष फरवरी में हम लोगों ने इस अभियान को चलाया था, अप्रैल में अभियान चलता, लोकसभा चुनाव के कारण वह गति नहीं पकड़ पाया। हम लोगों ने इसलिए जुलाई में इस महीने में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पीछे की मंशा स्पष्ट है कि हम पहले से चलाए गए अभियान को फिर से एक नई गति दे सकें। और विगत वर्ष इसके परिणाम यानी बीमारी 35% कम हुई और मौत के आंकड़े 65% तक कम हुए हैं। एक बड़ा अभियान है और मुझे लगता है अगर दो वर्ष का परिणाम यानी एक वर्ष के अंदर किए गए प्रयास से हम बीमारी को 35% तक नियंत्रित कर सकते हैं और मौत के आंकड़ों को 65% कम कर सकते हैं, तो सतत प्रयास और बेहतर समन्वय के माध्यम से मेरा ये मानना है कि जितने भी संचारी रोग हैं, ये जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इन सब पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है और प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा से ही हम इसका उन्मूलन कर सकें। इसके लिए व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ हर एक नागरिक को, हर एक परिवार को जुड़ना पड़ेगा और उस अभियान में अगर समाज का प्रबुद्ध जन आगे आ जाता है, जागरूक नागरिक आगे आ जाता है, जनप्रतिनिधि आगे आ जाता है, तो काफी हद तक वह एक जन आंदोलन का रूप लेता है और जन आंदोलन जब कोई भी कार्यक्रम लेता है तो उसकी सफलता उतनी ही अधिक गुना बढ़ जाती है। और मुझे विश्वास है संचारी रोग नियंत्रण के इस